बहुत सारे टाइम से मैं अमेज़ॉन से ख़रीद रही थी चीज़ें, और जो प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे उन सारे अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स में से वो आप सबके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अभी तक मैंने ये वाले प्रोडक्ट्स आपके साथ में इसलिए नहीं शेयर करे थे क्योंकि एक एक करके मैं सारे प्रोडक्ट्स ख़रीद रही थी, तो नेचुरली एक प्रोडक्ट के लिए मैं क्या आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कंपाइल किए जाए ये सारे प्रोडक्ट्स, अच्छे लगेंगे तो ज़रूर आपके साथ में शेयर करूंगी, ये मैंने सोचा था। तो जो प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के थे उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स आप सबके साथ में आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। ये जो है वो 2020 का पहला वीडियो है, सो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जो कि मेरे स्किन के ऊपर काफ़ी लाइट भी रहे, बहुत ज़्यादा टैकी या फिर ऑयलीनेस ना क्रिएट कर सके। नेचुरली आपको मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है स्किन को, इसलिए मैंने ऑनलाइन देखा, काफ़ी रिव्यूज़ पढ़े इस प्रोडक्ट के जो कि है सिंपल ब्रांड से। अच्छा, इसमें ये सब बहुत सारी खूबियाँ हैं कि ये पैराबेन फ्री है, एनिमल टेस्टेड नहीं है, और नो आर्टिफिशियल परफ्यूम और कलर, नो हार्श केमिकल्स दैट कैन बी अपसेट फॉर योर स्किन, नो एल्कोहल, नो पैराबेंस, नो एनिमल डिराइव्ड इन्ग्रीडियंट्स। इसको प्रोडक्ट को मैं यूज़ काफ़ी दिनों से कर रही हूँ, ये बहुत ही पिचकी सी होगी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये बहुत सारा यूज़ कर लिया, लेकिन हाँ यूज़ करने के बाद में मेरी जो स्किन थी मॉइस्चराइज भी होती थी, ऑयली बिल्कुल भी नहीं लगती थी। दैट इज़ द प्लस पॉइंट कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब मैं बाहर जाऊँ और मेरी स्किन के ऊपर वो कुछ डस्ट पार्टिकल्स चिपक जाए। तो मुझे ये वाला जो मॉइस्चराइज़र है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये बॉटल ख़त्म होने को आ रही है, मैं और बॉटल लूँगी इसकी ज़रूर से। मेरे को इतना ध्यान रखना है कि समर्स में या फिर मॉनसून के टाइम में इतना यूज़ करें अगर आपकी सेंसिटिव और टूवर्ड्स ऑयली स्किन है। तो ठंडी है तो थोड़ा सा क्वांटिटी आप डबल भी कर सकते हैं। हाथ के लिए मुझे नहीं लगता कि ये वाला मॉइस्चराइज़र जा सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट है, और नेचुरली फुल बॉडी के लिए आपको ऐसा मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है जो क्रीमी बेस ज़्यादा हो, मुझे मेरी स्किन के हिसाब से बता रही हूँ। और अगर आपके फेस टूवर्ड्स ऑयली टेक्सचर है तो आप ये ज़रूर ऑप्ट कर सकते हैं। मैं डिसएडवांटेज ये बता सकती हूँ कि जो ये बॉटल है बहुत हार्ड है, हालांकि मैं इसको हमेशा टेबल पे भी रखती हूँ, ड्रेसिंग टेबल पे, तो ये इस तरीके से ही रहता है ताकि जो क्रीम है मॉइस्चराइज़र है वो नीचे ही फ्लो करता रहे। लेकिन फिर भी मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि अगर मैं पंप आउट कर रही हूँ तो यहाँ वाले पार्ट से मैं पंप आउट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि बॉटल बहुत हार्ड है। लेकिन पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छा लगा और मैं इसके सेकेंड बॉटल के लिए ज़रूर जाने वाली हूँ। है सनस्क्रीन, मैंने उस टाइम खरीदा था, बहुत कम क्वांटिटी में लगता है ये सनस्क्रीन जो कि है लाशील से, और ये जेल बेस्ड सनस्क्रीन है जो कि मेरे स्किन के ऊपर एकदम परफेक्ट जाती है, ऑयलीनेस बिल्कुल क्रिएट नहीं करती और आपके इनफैक्ट स्किन के ऊपर ने ग्लो भी लेके आती है, लेकिन वो ऑयलीनेस वाला ग्लो नहीं होता है, मैट ग्लो रहता है। आपकी जो स्किन है उसको एक टाइप का मॉइस्चराइज भी करती है ये वाली जेल लाशील की सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन जो है वो SPF 40 में है। मैंने इसके भी रिव्यूज़ काफ़ी सारे पढ़े थे अमेज़ॉन पे भी और यूट्यूब से भी और गूगल से भी, बहुत सारे रिव्यूज़ देखने के बाद में ही मैंने ये लिया। मेरे पास में इसके पहले न्यूट्रोजेना का था और दो तीन और थे, आई डोंट रिमेम्बर क्योंकि मैं उनको पता नहीं यूज़ भी नहीं करती हूँ शायद। मुझे ये और न्यूट्रोजेना का पसंद है, न्यूट्रोजेना का इसलिए पसंद है क्योंकि, लेकिन उसको हम यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग विंटर टाइम। लाशील्ड इसके लिए मैं बोल सकती हूँ कि ये आप किसी भी टाइम जा सकते हैं, अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर टूवर्ड्स ऑयली है या कॉम्बिनेशन स्किन है। मैं तो सोचती हूँ कि शायद आप इसको ड्राई स्किन वाले लोग भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव है। जो मेरे थर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो हैं ये दो हेडबैंड्स लिए थे मैंने, इस ये येलो में और ये एक बहुत ही प्यारा सा मेरे पास में डंगरीज थे तो उसके ऊपर पहनने के लिए मैंने ये लिए थे, और अभी तक मैंने दोनों ही यूज़ नहीं किए हैं। पर हाँ, जो इनकी क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, स्टर्डी है, और यहाँ से भी कई बार होता है ना निकलती है चीज़ें, चिपकाई हुई चीज़ें जो रहती हैं वो निकल जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ये काफ़ी स्टर्डी भी लगा और अच्छा भी लगा। तो ये तो कपड़े से हैं और ये बोल सकते हैं प्लास्टिक के ऊपर इस तरीके से कवर्ड येलो से बना, ये कपड़ा नहीं है, नायलॉन टाइप का कुछ टेक्सचर है इसमें, और यहाँ पे एक नॉट दी है। ये मुझे दोनों ही चीज़ें पसंद आई, आई एम गोइंग टू डेफिनेटली यूज़ देम फॉर माय वीडियोस एंड फॉर द ट्रैवलिंग पर्पसेस। जो फोर्थ चीज़ है वो है ये प्यारा सा बेल्ट, इस तरीके का ये गोल्डन बेल्ट है, मेटालिक बेल्ट है, और इसमें इस तरीके से लीफ लगी हुई है, लीफ का डिज़ाइन बना हुआ है, और ये इस तरीके से ऐसे क्लब हो जाती है।
इस तरीके से। तो ये मैंने, और यहाँ पे चेन टाइप का है जो स्ट्रेचेबल है, तो आपकी कमर इतनी हो या फिर इतनी हो तो यू कैन यूज़ दिस इफ़ेक्टिवली, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यूसेज में, और क्वालिटी भी अच्छी है, कलर भी अच्छा है। तो और सबके जो डिटेल्स हैं, लिंक्स हैं और प्राइजेस हैं, वो मैं यहाँ पे नीचे मेंशन करती जाऊँगी। प्लीज़ चेक दैट आउट, अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आई होगी तो आप ज़रूर से परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के बाद में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अमेज़ॉन से बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास मैंने कपड़ा मंगाया था पर अच्छा नहीं मिला और ब्ला ब्ला, लेकिन थैंकफुली और मैंने जब भी कोई भी चीज़ मंगाई है अमेज़ॉन से, स्पेशली कपड़ों के बारे में बताती हूँ, तो मुझे कपड़ों में कभी भी कोई डिफेक्ट नहीं लगा है। सेकेंडली हाँ, अगर साइज़ वेरी करता है तो नेचुरली आप रिटर्न कर देते हो, एक्सचेंज करा लेते हो, लेकिन ऐसे ऐसा नहीं लगा कि इस प्रोडक्ट में, इस कपड़े में कुछ ख़राबी है या कुछ फटा हुआ आया है या फिर छर छर वाला कपड़ा है, ऐसा कभी भी नहीं लगा है। तो मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी जो मैंने टॉप लिया था, कुर्तियाँ मैंने ऑलरेडी आप सबके साथ में हॉल में शेयर करी थी, लेकिन मैंने जो टॉप लिया था वो ये प्यारा सा टॉप है, फ्लोरल टॉप है आप देखोगे, और अच्छा मिड लेंथ तक आपका, मिड लेंथ मतलब वेस्ट तक आपका ये टॉप आता है, तरीके के स्लीव्स हैं और पीछे का जो एरिया है इसमें यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है, और इसका जो टेक्सचर है काफ़ी अच्छा है, और हाँ ये इन ऑल मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है। ये वाला टॉप परफेक्ट है, आप किसी भी आउटिंग में पहन सकते हैं, घर में भी पहन सकते हैं, स्टार्टिंग में आप बाहर जा सकते हैं। और यस गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट द अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स दैट आई हैड नॉट शेयर्ड विथ यू ऑलरेडी एंड नाउ आई एम शेयरिंग विथ यू। नया साल है, नए प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा लगा होगा वीडियो तो ज़रूर से शेयर करिएगा वीडियो को, और मेरे अगले वीडियो आने तक बाय बाय।